वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। यह वीडियो नॉन हिंदी का है जो कि आपका लेसन 11 है, जो एक कविता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछता है कि एक कहानी है कि कविता है कि दोहा है, ये सब भी आपको ध्यान देना है कि ये कबीर का एक कहानी है, ये ध्यान में रखना है। जिसको खुद किसने लिखा है, कबीर दास लिखे हैं। यहाँ पे हम लिख दिए हैं जिसके लेखक कौन है, कबीर दास। ये तो याद हो जाए, कबीर के पद के लेखक कबीर दास हैं। कबीर दास यहाँ लिखे हैं हम, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा कि कबीर जो है भक्ति काल के अप्रतिम भक्त कवि थे। अप्रतिम का मतलब बहुत ही बड़ा क्या है, एक कवि थे। किसके तो मतलब भक्ति काल के। यहाँ देखिएगा, इन्होंने दो पद यहाँ कबीर का दिया गया है और दो पद में डायरेक्ट समझिए कि इस दो पद में कहा क्या गया है। ये इंसानियत, इंसान को इंसानियत वाला जो धर्म होता है उस पर ले जाने का बात यहाँ पे किया गया है कि इंसान को कैसे चलना चाहिए, ठीक है, अपने जिंदगी में। यहाँ देखिए, पहला पद में इन्होंने बोला है कि स्थापित, देखिए, रूढ़िवादियों मतलब रूढ़ियों के समानांतर सच के सीधे साक्षात्कार की प्रस्तावना है। इसका मतलब डायरेक्ट यहाँ पे समझिएगा कि जो भी रूढ़िवादी लोग हैं, कठोर लोग हैं, वो अपने ही रास्ता पर चलने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। जमाना कुछ और कह रहा है और वो कुछ और हिसाब से चलते जा रहे हैं। और यहाँ दूसरा पद में कहा गया है कि अल्लाह को कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, अल्लाह आपके अंदर खुद स्वयं है, विराजमान है। बस अपने मन को स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, खुदा कण कण में भगवान है, ठीक है, खुदा हर जगह है। यहाँ देखिएगा, दोनों दोहे में यही कहा गया, दोहा नहीं है सॉरी, कविता है। यहाँ देखिए, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, कबीर यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, कि मेरा और तुम्हारा मन कैसे एक होगा। मतलब कि कबीर कह रहे हैं कि जो हम बोलते हैं और जो आजकल के जमाने में बोला जाता है, कैसे मन एक होगा। हम जो बोलते हैं, हमारे कविता द्वारा जो निकलता है, तुम उसके सीधे उल्टा काम करते हो। देखो कैसे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूं आंखें देखी, तू कहता कागज की देखी। यहाँ पे कह रहे हैं कबीर दास कि हम कहते हैं जो आंख से देखते हैं, जो सच्चाई है वो कहते हैं, और तुम जो कागज में लिखा है, आज के इंसान लोग क्या कर रहे हैं, जो लिखा है सिर्फ उसको देख रहे हैं, आंख का देखा हुआ नहीं कह रहे हैं। यानी नहीं कहा जाता है कि लिखंतम के आगे बकंतम नहीं चल रहा है, ठीक है। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखियो उरझाई रे। यहां देखो थोड़ा सा, इस सेंटेंस में मैं तो किसी समस्या को सुलझाता हूं, ठीक है, सुलझाने की कोशिश करता हूं, दिमाग लगाता हूं, लेकिन तुम उस समस्या को, आज के मानो उस समस्या को और उलझाते जा रहे हैं। हम लोग अपना कोर्ट कचहरी देख सकते हैं, ठीक है, वो देखना समस्या सुलझाता कम है, उलझाता ज्यादा है, ठीक है। ये केस करो, यहाँ जाओ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, वो और समस्या को उलझाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखियो उलझाई रे। तू तो हमेशा किसी लफड़ा को उलझा के ही रखता है, ठीक है। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। और यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ तुम जागो, उठो और अपने समस्या को देखो, अपने समस्या का सोल्यूशन निकालो, हल करो, ठीक है। और तुम क्या कर रहे हो कि सोने में अपना समय बिता रहे हो, ठीक है। और कहा जाता है कि अभी ही वक्त है, या तो तुम सोने, या तो कहा जाता है कि इस समय को सोना बना लो या फिर इस समय को सोने में गुजार दो, ये दोनों वक्त है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जगो, उठो और संघर्ष करो। आप याद रखिएगा जिंदगी में एक चीज, ठीक है, कि अभी भले ही संघर्ष काफी कठिन है, संघर्ष करना काफी कठिन है, लेकिन याद रखिए जिस दिन आपका संघर्ष रंग लाएगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी, ये दिमाग में रखिएगा। थोड़ा सा मेहनत लगता है स्टार्टिंग में। यहां देखिए, मैं कहता निर्मोही रहिए, तू जाता है मोही रे। मैं कहता हूं कि इस संसार में मोह मत रखिए, मोह माया, किसी के मोह माया के जाल में मत फंसिए, ठीक है, निर्मोही रहिए। ज्यादा आपके अंदर फीलिंग नहीं होना चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति भागिए, ठीक है, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। एक बात याद रखिएगा, अपने यहां सबसे पहले फेलियर होने का यही वजह है, हम लोग मोह माया के मतलब कि जाल में फंस जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसके पीछे लग रहे हैं, और उसके बाद से हमारा क्या हो जाए, वहां से हम बैग जा रहे हैं और हमारा कैरियर चौपट हो जा रहा है, ठीक है। तो मोह माया के, ये कबीर दास कह रहे हैं कि देख, मैं जब कहता हूं निर्मोही रहने के लिए, किसी के प्रति जब मोह नहीं रखना है, तो तू बार बार मोहित हो जा रहा है किसी पर। मोह का मतलब होता है, ऐसा नहीं कि कोई गरीब है तो उस पर मोह नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये बोल रहा है कि तू जो मोह माया के जंगल में पड़ रहा है, ठीक है, जो तुमको कहां ले जा रहा है, पीछे ले जा रहा है। यहां देखिए, जुगन जुगन समझावत हारा,
कहीं ना मानत कोई रे, ये कह रहे हैं कि हम जुग जुग से समझा रहे हैं, ठीक है, कहीं कोई मेरा बात मान ही नहीं रहा है, ठीक है, अपने ही अलग प्रकार के प्रसंग में डूबा हुआ है, ठीक है, और वो प्रसंग इंसान को खाई की तरफ ले जा रहा है। यहां देखिए, सदगुरु धारा निर्मल बहो वामे काया धोई रे। यहां देखिए, सतगुरु धारा यानी सत्य की धारा बह रही है, ठीक है, उसमें जा करके अपनी काया, अपने पाप को पहले जा करके धो। आजकल के जमाने में इंसान क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट क्या करें, भगवान को ही दोष दे रहे हैं कि भगवान तुमने ये क्या कर दिया यार, तुम तो इंसान हो, इंसान के राह पर कब चले हो, तुम्हारे अंदर तो दूसरे के प्रति घृणा भरी है, ठीक है, तुम तो दूसरे के प्रति गलत सोच रहे हो, उसके बाद से अगर उसका प्रतिफल यानी उल्टा आप पर अगर पड़ रहा है तो तुम भगवान को दोष दे रहे हो, ठीक है, ये भगवान को दोष देना बंद करो, ठीक है, और अपने अंदर झांक करके देखो कि तुम्हारे अंदर कितनी डिमेरिट है, दूसरे की गलतियों देखने से पहले अपना गलती खुद देखो, ठीक है, ये ध्यान रखिए। यही बोल रहे हैं कि सबसे पहले क्या कीजिए, अपनी काया को, अपने पाप को जाकर के, ठीक है, जाकर के धोइए। कहत कबीर सुनो साधु, सुनो भाई साधु, तभी वैसा हो रे। कबीर जी कह रहे हैं कि तभी वैसा होगा जब अपने पाप को जा करके धोइए, ठीक है, कहाँ पे, सतगुरु धारा निर्मल बहो, आपका सतगुरु यानी कि सत्य का धारा बह रहा है, उसमें अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए, ठीक है, और प्रण लीजिए, ठान लीजिए कि आज के बाद से हमें से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। याद रखिए, आपका एक मिस्टेक किसी की जिंदगी बर्बाद कर देता है, तो इसीलिए अपने पापों को धोइए, तब जाके आप जो इच्छा रखेंगे वो काम सफल होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहला जो था पद वो समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला पद, देखिए, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहाँ पे अल्लाह गॉड कह रहे हैं कि कबीर दास का ये मुख द्वारा बोला गया है कि मेरे को कहाँ ढूंढ रहे हो, हम तो तुम्हारे पास में ही हैं। आखिरकार जब कहा जाता है कि भगवान अल्लाह जो खुदा है, ठीक है, ये हमारे पास में है, तो हमें दिखते क्यों नहीं, कहाँ से दिखेंगे हमें, ठीक है, हमारे अंदर इतनी निगेटिविटी भर चुकी है, ठीक है, हमारे अंदर इतने पाप भर चुके हैं, हम लोग इतना गुनाह कर चुके हैं, ठीक है, कि हमको सत्य दिखाई नहीं देगा, सच की राह दिखेगा ही नहीं, हमारे अंदर तो होड़ लगी हुई है, कंपटीशन है कि हम आगे निकले, कोई भी गुनाह करो, लोग कह रहे हैं कि कुछ भी करेंगे पैसा कमाएंगे, तो कुछ भी करने का मतलब आप जो कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, पैसा के पीछे भागिए तो फिर जो गॉड है वो तो आपके साथ नहीं रहेंगे ना, ठीक है, पैसा कमाइए लेकिन सत्य के राह पर चलकर। मोको कहाँ ढूंढने बनते, मैं तो तेरे पास है, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ठीक है, ना मैं क्या हूँ, ना मैं देवल में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबा में हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ, ठीक है, तुम जाके मंदिर में ढूंढोगे, अगर मंदिर में ही भ्रष्ट लोग भरे रहेंगे, मस्जिद में ही भ्रष्ट लोग, बेकार लोग भरे रहेंगे, तो वहाँ मेरे, मैं वहाँ रह ही नहीं सकता हूँ, मैं तो सच्चे हृदय में रहता हूँ जो साफ हो, ठीक है, मैं तुम्हारे पास हूँ, सच्चे मन से तो देखो। यहाँ देखिए, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग वैराग में, मैं किसी काम में नहीं हूँ, ठीक है, और ना ही कोई जोग वैराग, ठीक है, जो साधु लोग होते हैं, ढोंगी लोग होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि भगवान यहाँ से मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, मैं कहीं नहीं हूँ, सच्चे मन से, सच्चे दिल से मेरी पूजा करो, मन ही मन पूजा करो, आराधना करो, ठीक है, तब हम तुम्हारे पास हैं, दूसरों को कभी तकलीफ में मत, मतलब आपके वजह से किसी को तकलीफ ना हो। यहां देखो, खोजी हुई तो तुरंत तुरह, लिखा है तुरहती मिली हो पलभर की तलाश में, अगर सच्चे मन से तुम खोजोगे तो एक सेकेंड में खुदा मिल जाएंगे, अगर आपका दिल पाक और साख है, ठीक है, तो सच्चे मन से अगर भगवान और खुदा को आप याद करेंगे, ठीक है, तो एक सेकेंड में खुदा आपके पास होंगे, बस आपके अंदर सच्ची श्रद्धा होना चाहिए, ठीक है, आपका ध्यान भगवान के प्रति होना चाहिए, ये याद रखना है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों ही की सांस में, कह रहे हैं कि कबीर कह रहे हैं कि सुन भाई साधु, सुन मानो, ये ध्यान रख कि तुम्हारे सांस सांस में भगवान है, कहा जाता है कि कण कण में भगवान है, ठीक है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए, ठीक है, हमको नहीं देखेंगे, आपको नहीं देख, क्यों दिखेंगे, दिन भर में तो 50,000 हम लोग झूठ बोल लेते हैं लगभग, ठीक है, दूसरे को बेवकूफ बना लेते हैं, तो हम कहेंगे कि हम सत्य बोलते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं, तो ये तो गलत है ना, ठीक है, हर जगह भगवान है, बस आप सत्य के राह पर चलिए, ठीक है, कभी किसी से मतलब कोई ऐसा काम ना करें,
ठीक है, जिससे कि आपके वजह से किसी को परेशानी हो, दुख लगे, तकलीफ हो, ठीक है, भगवान आपके साथ हमेशा रहेंगे। और अपने कर्मों पर भरोसा रखें। आपको बता चुके हैं कि थोड़ा सा मुश्किल है संघर्ष, लेकिन जिस दिन आप सफल होंगे वो सफलता बहुत ही शानदार होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये कबीर के पद समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।